All right. So now you require question number 17. All right, friends. So now you refer question number 17 and page number 11.36. Question number 17, page number 11.36. प्रैक्टिस आपको करा देता हूं इसमें ना फ्रेंड्स. एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज फर्निश्ड यू द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. आउटपुट बजटेड एंड एक्चुअल आपको दे रखा है. आर्स बजटेड एंड एक्चुअल है. फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड एक्चुअल है. वर्किंग डेज बजटेड एंड एक्चुअल है. कैलकुलेट द फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंसेस. इट मीन्स ऑल द वेरियंस. स्टेप नंबर वन, टेबुलर फॉर्म. Fixed overhead variance. Budget actual units recovery rate. Expense units expense. Hours recovery rate. Expense hours expense. Days recovery rate. Expense days expense. So yes or no, friends? Budgeted output is 30,000 is given. Actual is 32,500 is given. Then hours 30,000 is given. Actual hours is 33,000 is given. Fixed overhead 45. Actual expenses 50,000. Working days 25. Working days 26. It means this is 1.5, this is 1.5, and your 45,000 divided by 25 is 1800. So yes or no, friends? This is given. Your fixed overhead variance always based on budgeted production. So budgeted production is 30,000 units, expense 45, recovery rate 1.5. Hours 45, 25, 1800. Actual units आपकी ये हो गई, ये और ये. सही आसान हो गया. Step number one, कि whatever information you have, you just try to put into the tabular form. आपको table में उनको डालना है. Okay? सबसे पहले आप बनाइए. This is your fixed overhead account. To bank 50,000 by recovery 32,500 into 1.5 48,750 by under recovery 1,250. आपका under recovery कितना हो जाएगा friends? 1,250. क्या आपने pay किया 50,000. Actual expenses आपने कितना pay किया?
50। और क्या रिकवर हुआ, इट मीन्स यूनिट्स कितने बन के तैयार हुए, 32,500। और एक यूनिट पे आपको क्या रिकवरी मिलेगा, 1.5, 48,750। तो अंडर रिकवरी आपका कितना हो गया, 125। सही है सर, परफेक्टली क्लियर हो। ओके, इट मीन्स आपका कॉस्ट वेरियंस तो वेरी सिंपल, क्या आपको पॉकेट में आया 48,750, क्या पॉकेट से गया 50,000। फर्स्ट इज योर फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस आपको सॉल्यूशन आपको दे रखा है प्लेज पेज नंबर 11.37 पे, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप यहां पे ध्यान दीजिए। ओके, रिकवर्ड ओवरहेड, व्हाट इज द रिकवर्ड ओवरहेड इज 48,750 और आपके सामने, उसके सामने आपने पे किया है इसे 50,000। इट मीन्स 48,750 माइनस 50,000 आपको लॉस हो जाएगा 1250 एडवर्स। उसके दो पार्ट, एक आपका फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, एक आपका फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस। ओके, एक्सपेंस मैनेजर, एक्सपेंस मैनेजर ने क्या बोला था आपको, कितना खर्चा होगा इजे 45, लेकिन एक्चुअल आपका खर्चा कितना हो गया 50,000 एंड देर इज ए लॉस ऑफ 5,000, राइट। उसने क्या बोला था, कितना खर्चा होगा 45, खर्चा कितना हुआ 50,000, कितने का लॉस हो गया। इट मीन्स फॉर्मूला में लिखना है तो रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ओके, अब प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला था, 30,000 यूनिट्स बनेंगी और उसी पीरियड में आपने यूनिट्स बना दी कितनी, 32,500 इज गुड, ज्यादा यूनिट बनी तो ज्यादा रिकवर होगा। व्हाट इज द रिकवरी रेट, 1.5। इट मीन्स आपको टोटल हो जाएगा 2500 इंटू 1.5 इज 3750 एंड फेवरेबल, 3750 फेवरेबल, देन डिवाइड इन टू, दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस। ये आपका फॉर्मूला हो गया, बजटेड एक्सपेंस माइनस एक्चुअल एक्सपेंस, ये आपका हो गया बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स इनटू रिकवरी रेट। कैपेसिटी वेरियंस ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ आवर्स, एफिशिएंसी वेरियंस ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ आवर्स। क्या कैपेसिटी था आपका, आपका कैपेसिटी था 30,000 आवर्स का, आपने काम किया, आपने काम किया 33, इट मीन्स एंड योर रिकवरी रेट इज 1.5, सो दिस कम्स टू 4,500 फेवरेबल। आपका कैपेसिटी वेरियंस क्या हो जाएगा, 4,500 फेवरेबल। नाउ एफिशिएंसी, यूनिट्स एंड आर्स, यूनिट्स एंड आर्स, कितना यूनिट्स था, इट मीन्स 30,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स एंड आर्स 30,000, 30,000 यूनिट्स आर्स 30,000। अगर 32,500 यूनिट्स है तो आर्स आपको क्या लगेंगे, 32,500, लेकिन 32,500 वाला काम आपने कितने आर्स में किया है, 33 में, इट मीन यू आर लूजिंग 500 आर्स। व्हाट इज द रिकवरी रेट पर आर इज 1.5 एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉस ऑफ 750 एडवर्स, 750 एंड एडवर्स। सही है, सुनो फ्रेंड्स, बोलो पहला रिकवर्ड ओवरहेड आपको कितना रिकवर हुआ, कितना आपने पे किया लॉस आ गया, कितना एक्सपेंस आपने सोचा था 45, कितना खर्चा किया 50, देयर इज अ लॉस ऑफ 5000। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, इट मीन्स कितने यूनिट्स बनने वाले थे, कितने बने इनटू रिकवरी रेट, एंड ये आपका आ गया। कैपेसिटी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ आवर्स, आपकी कैपेसिटी थी 30,000 आवर्स, आपने काम किया 33, इट मीन्स 500 आवर्स मोर, 3,000 आवर्स मोर इनटू रिकवरी रेट 1.5। यूनिट्स एंड आवर्स, 30,000 यूनिट्स, 30,000 आवर्स, 32,500, 33 इनटू 1.5, और आपको लॉस हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा दिस।
एंड इसके अब दो पार्ट, पहला दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरियंस, इट मीन्स नंबर ऑफ डेज, कितना नंबर ऑफ डेज थे आपके पास, आपके पास नंबर ऑफ डेज थे इज 25, काम करने को मिला 26 एंड योर रिकवरी रेट इज 1800 रुपीज, इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 1800 एंड फेवरेबल, 25 की जगह 26 डेज काम करने को मिले, ओके। एंड देन यू गो टू फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरियंस, इट मीन्स डेज एंड आवर्स, इट मीन्स 25 डेज में आपका कैपेसिटी कितने आवर्स का था, 25 डेज में योर कैपेसिटी वॉज 30,000 आवर्स, 25 में 30,000 आवर्स, 25 में 30 इट मीन्स 26 में, इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स 30,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 26 इज 31,200, सो 31,200 वाला काम, और आपने एक्चुअल में काम किया 33 इज गुड, इंटू व्हाट इज द रिकवरी रेट 1.5, इट मीन्स 31,200 माइनस 33 इंटू 1.5 एंड दिस कम्स टू 2,700 इज फेवरेबल, सो 2700 प्लस 1800 इज 45, मैक्स टू मैक्स दे कैन आस्क दिस मच करके, मैक्स टू मैक्स दे कैन आस्क दिस मच, मैक्स टू मैक्स दे कैन आस्क दिस मच इन द क्वेश्चन, सही है सोना फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछा जा सकता है कि 25 डेज लेकिन आपको काम करने को मिल गया 26, वन डे आपको एक्स्ट्रा मिला, व्हाट इज योर रिकवरी रेट, योर रिकवरी रेट इज 1800 रुपीज, इट मीन्स आपका फेवरेबल हो जाएगा, 25 डेज में आपका कैपेसिटी 30,000 तो 26 में आपका कैपेसिटी रहेगा 31,200, 31,200 की जगह 33 इंटू 1.5 आपका रिकवरी रेट क्या हो जाएगा 2,700 फेवरेबल, सही है सोना। और आपको एक प्रैक्टिस कराता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम, दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम, एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम, एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम, एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम अगर आएगा ना, ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था कि यू कैन नॉट रिकवर द ओवरहेड्स, मैंने आपको बताया था ना एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम, इट मींस सपोज अगर मेरा लेक्चर 8 to 12 है बराबर, तो मुझे 4 आवर्स का पेमेंट मिलेगा, आने के बाद पता चला इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट देयर, लेक्चर स्टार्ट हुआ 8:30 to 12, इसका मतलब ओवरहेड वो लगेगा वो कितने पे लगेगा 3.5 आवर्स, ओवरहेड आपका जो लगेगा वो कितने पे लगेगा 3.5, लेकिन वेजेज आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि ये हाफ एन आवर आई वॉज रेडी टू वर्क बट देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए मुझे क्या हो गया, कंपनी को एबनॉर्मल लॉस हो गया, ओके, तो उसको क्या करना है, जस्ट टू माइनस फ्रॉम द वेरियंस, ओके, तो दिस इज योर स्टेप नंबर वन, फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, योर स्टेप नंबर वन, आपका क्या हो गया स्टेप नंबर वन, फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस, बजट एक्चुअल, यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस, यूनिट्स एक्सपेंस आवर्स रिकवरी रेट एक्सपेंस
डेज, रिकवरी रेट, एक्सपेंस, आवर्स, एक्सपेंस, डेज, एक्सपेंस। आउटपुट आपका है बजटेड आउटपुट 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर रहे हैं। जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 11.38। एक्स लिमिटेड हैज फर्निश्ड यू द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। बजटेड आउटपुट है 1 लाख, बजटेड आवर्स 20,000, बजटेड फिक्स्ड ओवर है 2,40,000, बजटेड वर्किंग डेज 25, एक्चुअल यूनिट्स 126, एक्चुअल आवर्स 25,200, एक्चुअल ओवरहेड 264,600, वर्किंग डेज 24। देयर वाज 5040 आवर्स ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम। प्लीज अंडरलाइन दैट एबनॉर्मल आइडल टाइम इंक्लूडेड इन द एक्चुअल आवर्स। कैलकुलेट द फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंसेस। 1 लाख बजटेड आवर्स 20,000, बजटेड ओवरहेड 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000, बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज 25, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज 24, एक्चुअल एक्सपेंस 264,600, एंड एक्चुअल यूनिट्स 126, एक्चुअल यूनिट्स 126, एक्चुअल आवर्स आपके आएंगे 25,200 माइनस 5040, जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है वो माइनस हो जाएगा, राइट। 25,200 माइनस 5040 इज 20,160। सही है सुनो फ्रेंड्स, इट मींस योर रिकवरी रेट, आपका रिकवरी रेट आ जाएगा फ्रेंड्स इज 2.4 पर यूनिट, देन 12 रुपीज पर आर, एंड 2,40,000 डिवाइडेड बाई 25 इज 9,600। सो फर्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट 2 बैंक कितना पे किया है फ्रेंड्स हम लोगों ने, बोलो कमेंट करो। 264,600 कितना पे किया है बोलो, 264,600 बाई रिकवरी कितना आया, 126 यूनिट्स बने और एक यूनिट पे कितना रिकवर होगा 2.4, सो 126 into 2.4 is 3,02,400, 3,02,400, and 2 over recovery is minus 264,600 is 37,800. Yes, no friend. First, आपका ये budgeted units, ये आपके budgeted hours, ये आपके budgeted days, ये आपका बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, उसको डिवाइड किया, रिकवरी रेट आया, देन एक्चुअल यूनिट्स आपके, एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल आवर्स आपके, एक्चुअल आवर्स में आपको एबनॉर्मल एडेड टाइम को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि व्हेन आपका उस पर कुछ प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, लॉस्ट हो गया, राइट। 24 and 264,600 कितना पे किया आपने, 2 बैंक 264,600 बाय रिकवरी 126 into 2.4 and 2 over recovery 37,800. So yes, perfectly आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा बोलो। 2.4, 12 and 9,600, 20,160 सेम। अभी आपको कितना रिकवर हुआ, इट मीन्स रिकवर हुआ 302 आपने पे किया, ये आपको ओवर रिकवरी हो जाएगा, इट मीन्स फर्स्ट इज ए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस कितना रिकवर हुआ फ्रेंड्स, 302,400 आपको रिकवर हुआ, 302,400 और आपने पे किया है 264,600,
264,600. It means 302,400 minus 264,600. It 37,800. ये आपको क्या हो जाएगा फेवरेबल. 37,800 ये आपको क्या हो जाएगा इज ए फेवरेबल. देन फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस. देन फिक्स्ड ओवरहेड इज वॉल्यूम वेरियंस. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस. क्या एक्सपेंस आपने सोचा था 2,40,000 रुपीज. नो फॉर्मूला, प्योर लॉजिक. कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. आप एकदम लॉजिक से जाइए, आपका काम हो जाएगा. 264,600. इट मीन्स 240 लेस 264,600. देर इज अ लॉस ऑफ 24,600 का लॉस हो गया. यूनिट्स बनने वाले थे 1,00,000. यूनिट्स बनने वाले थे 1,00,000. बने कितने 126. इज गुड. एंड व्हाट इज द रिकवरी रेट पर यूनिट इज 2.4. इट मीन्स 26,000 इंटू 2.4 इज 62,400 एंड दिस इज फेवरेबल. माइनस 24,600 और आपका ये टैली होता है 37,800. सही है. सुनो, परफेक्टली क्लियर होना बोलिए. देन वॉल्यूम के दो पार्ट हो जाएंगे. दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस. फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस एंड दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस. फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस. कैपेसिटी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ आवर्स. आपकी कितनी कैपेसिटी थी 20,000 और आपने काम किया 20,160 and what is your recovery date is 12. So total will be 20,000 उसके सामने 20,160 into what is your recovery date is 12. So this comes to 1,920 favorable. आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको प्रिंट करके नोट्स दिए हुए 11.39 पे आपका इसका सॉल्यूशन आपको दे रखा है. राइट, 11.39 पेज पे आपको सॉल्यूशन दे रखा है. अब आ जाइए एफिशिएंसी. फ्रेंड्स, इट मींस योर आर्स एंड योर यूनिट्स. आर्स एंड यूनिट्स इट मींस 20,000 आर्स. 20,000 आर्स में यू कैन प्रोड्यूस 1,00,000 यूनिट्स. 20,000 आर्स में यू कैन प्रोड्यूस दिस. इट मींस इफ आई एम गिविंग यू 20,001 इट मींस यू कैन टेक लाइक दिस. Means if your units are 1,00,000, then the hours is required 20,000. If the units are 126 cross multiply, it means 20,000 divided by 1,00,000 into 126 is 25,200. ये आपका काम कितने में होना चाहिए 25,200. 1,00,000 units के लिए 20,000, 126 के लिए 25,200 और 25,200 वाला काम, 25,200 वाला काम आपने कितने में कर दिया 20,160. इट मींस यू आर वेरी गुड. एंड 1 आवर का रिकवरी रेट 12. इट मींस योर 25,200 माइनस 20,160 इनटू 12 दिस कम्स टू 60,480 फेवरेबल. पूरा आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रेंड्स बोलिए. इट मींस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस. पहला कितना रिकवर हुआ अपने को और कितना पे किया. रिकवर का मतलब क्या है, कितनी यूनिट्स आपकी बनी 126. ओके, आपने पे किया 264,600. रिकवर हुआ 126. एक यूनिट बनेगी तो रिकवरी कितना है 2 रुपीज 40 पैसे. क्या हो जाएगा आपका 302,400. आपको प्रॉफिट कितने का हो गया 37,800. इट मीन्स रिकवर्ड ये हो गया, पे ये किया, आपको प्रॉफिट ये हो जाएगा. अब फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस. कितना एक्सपेंस होना चाहिए, कितना हुआ, कितने का, कितनी यूनिट्स बननी चाहिए 1,00,000. बन गई 126 इनटू रिकवरी डेट. इट मीन्स दिस इज गुड और बेड. मैंने सोचा मेरी क्लास में
10 बच्चे आएंगे, मैंने सोचा मेरी क्लास में 10 बच्चे आएंगे और मेरा रिकवरी रेट है 1000 रुपीज। सपोज मेरा टोटल एक्सपेंस था 10000, मैंने बजट किया टोटल एक्सपेंस रहेगा 10000 और स्टूडेंट कितने आने वाले हैं 10, तो एक का रिकवरी रेट मेरा कितना हो गया 1000, एक जन का मेरा रिकवरी रेट कितना हो गया 1000। अब सपोज आए 12 बच्चे, तो इट्स गुड और बैड? इट्स गुड, 12 × 1000 आपको रिकवर हो जाएगा 12000, इट मीन्स 2000 एक्स्ट्रा रिकवर हो जाएगा आपको करके, 2000 आपको क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा रिकवर हो गया। सही है, सुनो फ्रेंड्स, तो 1 लाख यूनिट्स आपके बनने वाले थे और बन गए 126, तो रिकवरी रेट। देन कैपेसिटी, आपका कैपेसिटी 20000 का काम किया, 2160 × 12 1920 का प्रॉफिट। 1 लाख यूनिट्स को बनाने में 20000 आवर्स, 1 लाख यूनिट्स को बनाने में 20000, तो 126 को बनाने में 25200 2160 × 12 इट मीन्स बन गया कितने में 20160। गुड, देन अब इसका दो पार्ट, दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरियंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरियंस कितना, नंबर ऑफ डेज 25 का पैसा दिया, काम करने को मिला 24 एंड रिकवरी रेट आपका क्या हो जाएगा इज 9600, इट मीन्स देर इज ए लॉस ऑफ 9600 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड 25 का पैसा दिया, काम करने को मिला ये, और ये इट मीन्स 9600 आपका क्या हो जाएगा एडवर्स। देन फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी, फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी इट मीन्स 25 डेज में आपका कैपेसिटी क्या था, 25 डेज में आपका कैपेसिटी था 20000 आवर्स, 25 डेज में आपका कैपेसिटी क्या था 20000 आवर्स, तो 24 डेज में आपका कैपेसिटी क्या रहेगा इट मींस 20000 / 25 × 24 = 19200, इट मींस 19200, लेकिन आपने काम किया कितना 2160 इज गुड इंटू व्हाट इज योर रिकवरी रेट, रिकवरी रेट इज 12, इट मींस 19200 का आपका कैपेसिटी था, आपने काम किया 2160 इंटू व्हाट इज द रिकवरी रेट 12, इट मींस दिस कम्स टू 11520 फेवरेबल। मैक्स टू मैक्स दे कैन आस्क दिस मच इन द एग्जाम, पहला वेरियंस कॉस्ट, दूसरा वेरियंस एक्सपेंस, तीसरा वेरियंस वॉल्यूम, चौथा कैपेसिटी, पांचवा एफिशिएंसी, छठा कैलेंडर और सातवां रिवाइज के, मतलब इसके बाहर औकात नहीं है किसी की पूछने के लिए, इसके बाद आपसे नहीं पूछा जा सकता, दिस इज द लास्ट करके। आर यू गेटिंग ऑन फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, अब मैं आपको एक होमवर्क में देता हूं, लेकिन आपको टेबल बना के दे देता हूं, बाकी का आप होमवर्क में करना और उसको ट्राई करना बराबर से, फिर उसके बाद फिर फ्रेंड्स हम लोग मिसिंग फिगर वाले सम्स ले लेंगे, देन वी विल टेक द मिसिंग फिगर क्वेश्चंस। ओके, पहले आप 19 जरा देख लीजिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19, इसका मैं ओनली आपको टेबुलर फॉर्म बना के दूंगा। ओके, होमवर्क में आप करना, दिस कम्स टू 11.40 और आपके आंसर टैली होने चाहिए, राइट? ओके, सो बीसी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अप्रैल 2002। बीसी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अप्रैल 2002, बजट एंड एक्चुअल, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 20, 21, मैन आवर्स 40000 43000, आउटपुट पर मैन आर इन यूनिट 3.2 and 3, एंड ओवरहेड 32000 and 31500। मैंने आपको क्या बोला कि फर्स्ट वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यू जस्ट ट्राई टू पुट इन टू द टेबुलर फॉर्म, फर्स्ट यू जस्ट ट्राई टू पुट इन टू द टेबुलर फॉर्म, आपको क्या करना है, आपको टेबुलर फॉर्म में इनको डालना है। सही या सुनो पे परफेक्टली क्लियर हो, सही है सर? क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 11.40, राइट? उसके बाद फिर अपन मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस यहां से ले लेंगे, राइट? बीसी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अप्रैल 2002, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 20, एक्चुअल वर्किंग डेज 21,
मेन आवर्स 40,000, एक्चुअल मेन आवर्स 43,000, आउटपुट 3.2 यूनिट्स पर आवर 3, ओवरहेड 32,000, ओवरहेड 31,500. सो दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस. बजट एक्चुअल यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस यूनिट्स एक्सपेंस आवर्स रिकवरी रेट एक्सपेंस आवर्स एक्सपेंस डेज रिकवरी रेट एक्सपेंस डेज एक्सपेंस नंबर ऑफ वर्किंग डेज 20, मैन आवर्स 40,000 एंड 1 आवर में यू कैन प्रोड्यूस 3.2 यूनिट्स. इट मीन्स 40,000 इंटू 3.2 is 128,000. Overhead 32,000, overhead 32,000 and overhead 32,000. Actual overhead 31,500, actual overhead 31,500, actual overhead 31,500. Okay, actual hours 43, actual units 43 into 3 is 129 and actual number of days 21. Say yes or no. It means 32,000 divided by 120. It means your recovery date will be 0.25. Your recovery date is 0.25. 32,000 divided by 40,000 is 0.8 and 32,000 divided by 20 is 1,600. सही है सुनो. मैंने ये होमवर्क के लिए दिया है. इसका मतलब आपको सिर्फ उतना ही दे रखा है. अकाउंट बना के मैंने आपको दे दिया है. इट मीन दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट. टू बैंक कितना आपने पे किया इज 31,500 बाई रिकवरी इज 129 into 0.25 is 32,250 and 2 over recovery is 750 minus 31,500 करेंगे तो 750. सही है सुनो फ्रेंड्स. इज दिस क्लियर. फिक्स्ड ओवरहेड पहले टेबुलर फॉर्म बजट एंड एक्चुअल बजटेड यूनिट्स बजटेड आवर्स बजटेड डेज. यूनिट्स कैसे निकाले बजटेड आवर्स इंटू आवर्स पर यूनिट. ओवरहेड आपको दे रखा है. ओवरहेड को डिवाइड किया तो आपका क्या आ जाएगा रिकवरी रेट. एक्चुअल यूनिट्स आपको दे रखे हैं एक्चुअल एक्सपेंस एक्चुअल आवर्स एक्चुअल एक्सपेंस एक्चुअल डेज एक्चुअल एक्सपेंस राइट. टू बैंक 31,500 टू रिकवरी 750 बाय रिकवरी 32,250. सही है सुनो. ये आपको करना है. करने के बाद आप चेक कर लेना. अभी वीडियो नहीं देखना राइट. पहले आप करना उसके बाद आप चेक करना पहले. फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूं. इट मींस दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस. कितना आपने पे किया फ्रेंड्स आपको रिकवर हुआ 32,250 और आपने पे किया 31,500. इट मींस 32,250 माइनस 31,500 एंड दिस कम्स टू 750 फेवरेबल. उसके बाद आपके दो पहला फिक्स्ड ओवरहेड
एक्सपेंस वेरियंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस था 32,000, कितना एक्चुअल में हुआ 31,500, कितने का लॉस हो गया इज ए 500, कितने यूनिट्स थे 126 और बने कितने 129। व्हाट इज द रिकवरी रेट इज 0.25, इट मींस 126 लेस 129 इनटू 0.25 इज 750 फेवरेबल। 126, 32, दिस इज योर थर्टी टू 250 माइनस 31,500, 750 फेवरेबल। 126 माइनस 129 इंटू 0.25 इज 750। ये गलत हुआ है, यहाँ पे भी गलत हुआ है। वापस एक बार, 32,000 एक्सपेंस होने वाला था, 32,000 एक्सपेंस होने वाला था, हुआ 31,500 and that's why there is a profit of 500. Units आपके बनने वाली थी 128, आपने बना दी कितनी 129 and एक का recovery rate क्या है 0.25, so this comes to 250 favorable. So 500 favorable यहाँ पे हो गया, 250 favorable, it means 750 divided in 2, it means fixed overhead कैपेसिटी वेरियंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस, कैपेसिटी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ आवर्स, 40,000 देन 43,000 इनटू 0.8, इट मींस 2400 फेवरेबल। देन फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, इट मींस यूनिट्स आपके थे 128, तो आपके आर्स कितने थे फ्रेंड्स, से 40,000, यूनिट्स 129 है, इट मींस 40,000 डिवाइडेड बाय 128 इनटू 129 इज 40,312.5। सो 40,312.5 के सामने आपके एक्चुअल आर्स कितने हैं, लीजिए 43,000 इनटू 0.8 in minus 43,000 into 0.8 and this comes to 21,250 adverse, say yes or no friends. It means देखो आपको recovered कितना हुआ 32,250, कैसे recover हुआ, it means 129,000 into 0.5, 32,250 आपने pay किया, 31,500, 750 extra हो गया। अब रिकवर्ड 32,250 पे किया 31,500, प्रॉफिट हो गया 750। एक्सपेंस मैनेजर ने क्या बोला था, कितना खर्चा होगा 32, एक्चुअल में कितना हुआ 31,500, 500 का अपनी को क्या हो गया प्रॉफिट, 500 का अपनी को क्या हो गया प्रॉफिट। देन यूनिट्स कितने बनने वाले थे 128, बने कितने 129, 1000 यूनिट ज्यादा बने इनटू 0.25, 250 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी 40,000, 43,000 इनटू 0.8, 24,000। 128 यूनिट्स को बनाने में 40,000, तो 129 को बनाने में 43,312.5, 43,312.5, 43.8 is 2150 आपके ज्यादा आर्स लग गए, तो इसको आप खुद करना और टैली कर लेना करके ना। दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरियंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरियंस। कैलेंडर मीन्स नंबर ऑफ डेज, 20 की जगह 21 इंटू 1600, इट मीन्स योर 1600 फेवरेबल। 20 दिन का पैसा दिया, 21 दिन काम करने को मिल गया, 20 की जगह 21 इंटू रिकवरी रेट। देन 21
20 डेज में योर कैपेसिटी इज 40,000 आवर्स, तो 21 में योर कैपेसिटी विल बी 42 वाला इज 43, इट मीन्स 1000 मोर इनटू 0.8 एंड दिस कम्स टू 800 फेवरेबल. 800 फेवरेबल प्लस 1600 फेवरेबल मिलके आपका क्या हो जाएगा, 2400 फेवरेबल. तो प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से करिए. इसके बाद फिर मैं आपको कराता हूँ एक मिसिंग फिगर का, जिसमें अपन सब कुछ कवर कर लेंगे, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड विद ऑल मिसिंग फिगर्स. ओके, इतना आप करिए फिर अपन कर. ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नाउ यू जस्ट रिफर योर क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 11.40. क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 11.40 एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 40 एंड कंटिन्यू ऑन 41 एंड सो ऑन. फॉलोइंग इन द स्टेटमेंट कॉस्ट कार्ड ऑफ ए कंपोनेंट, मतलब एक यूनिट को बनाने में क्या बोल रहा है वो. ए कंपोनेंट मटेरियल लगेगा 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15, लेबर लगेगा 3 आवर्स एट द रेट ऑफ 20, टोटल ओवरहेड्स, सो यू प्लीज अंडरलाइन दैट, टोटल ओवरहेड 3 आवर्स एट द रेट ऑफ 10. ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ 10,000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट वर प्रोड्यूस एंड द सेम वॉज फाउंड टू बी 60% कैपेसिटी ऑफ द बजट. इसका मतलब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 10,000 विच इज 60% ऑफ द कैपेसिटी. 10,000 60 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 16,666.67 यूनिट. इन प्रिपेयरिंग द वेरियंस रिपोर्ट फॉर द मंथ द कॉस्ट अकाउंटेंट गैदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अब आपको एक्चुअल रिजल्ट्स आपको दे रखे हैं, लेबर 650, वेरिएबल ओवरहेड 2 लैक्स, फिक्स ओवरहेड 3 लैक्स, मटेरियल प्राइस वेरियंस 70,000 एडवर्स, देन मटेरियल कॉस्ट वेरियंस 50,000 एडवर्स, लेबर रेट वेरियंस 50,000 फेवरेबल, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस इज 50,000 एडवर्स. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फ्रॉम द अबव डिटेल्स एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्चुअली कंज्यूम्ड, लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम. इसका मतलब कैपेसिटी, एफिशिएंसी, कैलेंडर और रिवाइज कैपेसिटी इन लोगों ने नहीं पूछा है. आपको ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, एनालिसिस ऑफ मटेरियल लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. सही है सुनो फ्रेंड. ओके, तो पहले टेबुलर फॉर्म, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, टेबुलर फॉर्म. मटेरियल वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज गिवन. इट मींस स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट. देन यू गो टू लेबर वेरियंस, आर्स, रेट, अमाउंट, आर्स, रेट, अमाउंट. देन यू गो टू वेरिएबल ओवरहेड, आर्स, रेट, अमाउंट, आर्स, रेट, अमाउंट. देन यू गो टू
फिक्स्ड ओवरहेड, बजट एक्चुअल, यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस, यूनिट्स एक्सपेंस आर्स रिकवरी रेट एक्सपेंस आर्स एन एक्सपेंस। फिर इसको आप नेक्स्ट पेज पे ले लो। फिक्स्ड ओवरहेड, बजट एक्चुअल, यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस, यूनिट्स एक्सपेंस आर्स रिकवरी रेट एक्सपेंस आर्स एक्सपेंस। सही है सर नॉमिनल्स। ऑल राइट, अब आप आ जाइए वन बाई वन, उसके बाद अपना फॉर्मेट की तैयारी करते हैं अपन। फर्स्ट इज ए योर स्टेप नंबर टू, analysis of variance, material cost variance, material usage variance, material rate variance, labor cost variance, labor efficiency variance, labor rate variance. See yes sir. Then variable overhead, cost variance, variable overhead, efficiency variance, variable overhead, expenditure or rate, fixed overhead, cost variance, fixed overhead, expense variance, fixed overhead, volume variance, fixed overhead, capacity, fixed overhead, efficiency. सही है सोना फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर। फॉर्मेट आपका रेडी है, बोलो फॉर्मेट इज रेडी। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है। फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ ए कंपोनेंट, ओके, मटेरियल 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15, लेबर 3 आवर्स एट द रेट ऑफ 20, टोटल ओवरहेड्स 3 आवर्स एट द रेट ऑफ 10, ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मंथ 10,000 यूनिट्स ऑफ द कंपोनेंट वर प्रोड्यूस्ड एंड द सेम वाज फाउंड टू बी 60% capacity of budget. It means your actual production is 10,000 units, which is
60% ऑफ बजट, इट मीन्स आपका बजटेड यूनिट्स हो जाएगा 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60, इट मीन्स 10,000 डिवाइडेड बाई 60 इज 16,666.67. So yes or no, friends? During a particular month, 10,000 units of the component were produced, and the same was found to be 60% capacity of the budget. In preparing the variance report for the month, the cost accountant gathered the following information. Labor is 6,50,000. Actual cost of labor is 6,50,000. Okay. Variable overhead, actual variable overhead is rupees 2 lakh. Actual variable overhead is rupees 2 lakhs. Actual fixed overhead is rupees 3 lakhs. Actual fixed overhead is rupees 3 lakhs. The cost accountant gathered the following information. Actual labor cost 650, variable overhead 2 lakhs, fixed overhead 3 lakhs. Material price variance 70,000 adverse. Material rate variance is 70,000 and adverse. So reverse जा रहे हैं हम लोग ना, उल्टा अपने को दे रखा है, variances दे रखे हैं और अपने को निकालना है. Then material cost variance is 50,000 and adverse. Then labor rate variance is 50,000 favorable. Fixed overhead expense variance is 50,000 adverse. You are required to prepare from the all details. ठीक है, all right. अब आप आ जाइए friends. क्या बोल रहे हैं? Material चाहिए एक unit को बनाने में, it means 10,000. One unit is requires two units. It means 20,000 at the rate of 15, and this comes to rupees 3 lakhs. 3 hours, it means 10,000 into 3 hours is 30,000. Ek hour ka rate is 20, it means comes to 6 lakhs. Total overhead 3 hours. आर्स तो अपन ले सकते हैं, लेकिन रेट कंबाइंड दे रखा है 10,000 इंटू 3, 30,000 यूनिट्स, लेकिन रेट अपने को नहीं पता है क्योंकि टोटल ओवरहेड इज रुपीज 10 है पर आर. ठीक है, अब आप आ जाइए. वन यूनिट इज रिक्वायर्ड 3 आर्स, इसका मतलब 16,666.67 इंटू 3 आपके बजटेड आर्स हो जाएंगे 50,000. आपके जो बजटेड आर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 50,000. सही है, सुनो. अब आप आ जाइए. सबसे पहले आपको दे रखा है मटेरियल कॉस्ट वेरियंस. मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इसका मतलब 50,000 आपको दे रखा है एडवर्स. इसका मतलब जो कॉस्ट आपने सोचा होगा उससे आपको कितना ज्यादा लगा है, 50,000. आपको ज्यादा कितना लगा है, 50. इट मींस आपका एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा 3,50,000. आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो क्या आ जाएगा, 3,50,000. इट मींस हमने सोचा था 3 लाख और हमको आ गया 3,50,000. हमने सोचा था 3 लाख और हमको आ गया 3,50,000. अब आप आ जाइए. मटेरियल रेट वेरियंस आपको दे रखा है 70,000 एडवर्स. इसके लिए ग्राफिकल का बहुत बेनिफिट है. इसके लिए अपने को ग्राफिकल का बहुत बेनिफिट है. ये आपका आएगा 20,000 एंड फेवरेबल. 20 फेवरेबल, 70 एडवर्स, तभी तो फाइनल 50 आपका एडवर्स आएगा. बोलो या सुनो फ्रेंड, से या सुनो बोलो. अब मटेरियल यूसेज वेरियंस. मटेरियल यूसेज में क्या है, आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखा है 20,000. आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या दे रखा है, 20,000. रेट इज 15 है. इट मीन्स योर 20,000 माइनस समथिंग इंटू 15 करेंगे तो अपने को आना चाहिए 20,000 माइनस समथिंग. 20,000 माइनस समथिंग इंटू 15 करेंगे तो अपने को क्या आएगा, 20,000.
20,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं, ये 20,000 है, इसको हम डिवाइड करते हैं, इट मीन्स 20,000 डिवाइडेड बाई 15 अपने को क्या आएगा 1333.33। और ये फेवरेबल है, इसका मतलब उतना कम लगेगा, लेस 20,000 इज 18,666.67 आपको लगेगा, इट मीन्स 18,666.67, इट मीन्स 3,50,000 डिवाइडेड बाई 18,666.67 आपका रेट आएगा 18.75। सही आंसर। ओके, अब आप आ जाइए मटेरियल रेट वेरिएंस पे। इट मींस आपने सोचा क्या था, आपने रेट सोचा था 15 और आ रहा है 18. आपने क्या रेट सोचा था, आपने सोचा था रेट 15 और रेट आ रहा है 18.75 इंटू 18,666.67। 18.75 माइनस 15 इंटू 18,666. दिस कम्स टू योर 70,000 एडवांस। ये आपका हो गया मटेरियल का कंप्लीट। ठीक है, अब लेबर में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स आपको, लेबर में आपको दे रखा है, लेबर में वेरियंस आपको दे रखा है, बजटेड कॉस्ट 650 है और आपका एक्चुअल कॉस्ट 650 है। बजटेड कॉस्ट 6 लैक्स है, 6 लैक्स, जबकि आपका एक्चुअल कॉस्ट है 6,50,000। इट मीन्स आपका टोटल जो कॉस्ट होगा वो है 50,000 एडवर्स। आपने बजटेड कॉस्ट क्या सोचा था 6 लैक्स, एक्चुअल कॉस्ट का क्या है 650। इट मीन्स आपका जो टोटल लॉस है वो क्या है, इट मींस लेबर रेट वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस आपका आएगा 1 लाख एडवर्स। तभी तो 1 लाख एडवर्स 50,000 फेवरेबल ही आएगा। अब एफिशिएंसी वेरिएंस कितने आर्स थे आपके पास, 30,000 माइनस एक्चुअल आर्स आपको नहीं पता है, इंटू अगर अपन रेट करते हैं 20 रुपीज, इंटू अगर रेट करते हैं 20, इट मीन्स 1 लैख डिवाइडेड बाई 20 इज 5,000। 1 लैख, ये जो 1 लैख है उसको 20 से डिवाइड किया तो 5,000, इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस 5,000 है और एडवर्स है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा 35,000। ओके, सो दिस कम्स टू 35,000। इट मीन्स 6,50,000 डिवाइडेड बाई 35,000 इज 18.57। ट्वेंटी माइनस एटीन पॉइंट फाइव सेवन इंटू 35,000 माइनस इंटू 35,000 एंड दिस कम्स टू 50,000 एवरेज। सही आंसर है फ्रेंड्स, लेबर का आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, सो लेबर का आपका कंप्लीट, लेबर का नो प्रॉब्लम। नाउ वेरिएबल ओवरहेड का है, लेकिन यू डोंट हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन। ओके, आर्स में अपन आ जाते हैं, एक्चुअल यूनिट्स, आपके एक्चुअल यूनिट्स 10,000 है, देर इज नो आइडल टाइम, इट मीन्स आपका एक्चुअल आर्स भी क्या रहेगा 35,000। आपका एक्चुअल आर्स भी क्या रहेगा 35,000। अब देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस आपको दे रखा है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है कि जो आपने सोचा था और जो आपने एक्चुअल खर्चा किया है, आपने एक्चुअल खर्चा किया है 3 लैक्स, आपने एक्चुअल खर्चा किया है 3 लैक्स और आपको 50,000 का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। इसका मतलब आपने क्या एक्सपेंस सोचा होगा, आपने सोचा होगा 2,50,000, आपने क्या सोचा होगा 2,50,000। इट मीन्स आपका बजटेड एक्सपेंस रहा होगा 250, आपका बजटेड एक्सपेंस 250, लेकिन एक्चुअल आपने कितना कर दिया, आपने एक्चुअल कर दिया 3 लैक्स, एंड दैट्स वाई देर इज ए लॉस ऑफ रुपीज 50,000। इट मीन्स
2,50,000 डिवाइडेड बाई 16,666.67 आपका रिकवरी रेट आएगा 15 एंड 2,50,000 डिवाइडेड बाई 50,000 आपका रिकवरी रेट आएगा 5। सही है सोनू, एक बार आपका टेबल कंप्लीट हो गया तो आराम से अपन कर सकते हैं। इट मीन दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, कितना आपने पे किया है, इट मीन्स टू बैंक अकाउंट 3,00,000 बाय रिकवरी 10,000 इंटू 15 1,50,000 एंड बाय अंडर रिकवरी इज 1,00,000। आपने पे कितना किया 3,00,000, आपको आया कितना 150, तो आपको लॉस कितना हो गया 150। इट मीन्स रिकवर्ड ओवरहेड 150, एक्चुअल ओवरहेड 3,00,000। रिकवर्ड ओवरहेड 150 एंड योर एक्चुअल ओवरहेड 3,00,000 एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 1,50,000 एडवर्स। रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। अब आपका बजटेड यूनिट्स था 16,666.67 लेकिन एक्चुअल यूनिट्स ओनली 10,000, एक्चुअल यूनिट्स इज ओनली 10,000 एंड व्हाट इज द रिकवरी डेट पर यूनिट, रिकवरी डेट पर यूनिट इज 15। सो योर रिकवरी डेट पर यूनिट इज 15। सो 16,666.66666 माइनस 10,000 इनटू 15 एंड दिस कम्स टू 1,00,000 एडवर्स, 1,50,000 आपका क्या हो जाएगा 1,50,000। नाउ यू कम टू कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस में क्या है, आपका 50,000 का कैपेसिटी था, 35,000 एक्चुअल आ रहा है। इट मींस 50 माइनस 35 इंटू 5 रुपीज पर आर, इट मींस देर इज अ लॉस ऑफ 75,000 एडवर्स, देर इज अ लॉस ऑफ 70। आपका रिकवरी डेट क्या है 5 रुपीज पर आर, आपका रिकवरी डेट क्या है बोलो 5 रुपीज पर आर। इट मींस यूनिट्स एंड आर्स 16,666.67 यूनिट्स के लिए 50,000 आर्स, तो 10,000 के लिए आपके पास कितने आर्स लगेंगे 30,000 और 30 वाला काम आपने कितने में किया है 35 एंड 1 आर का कॉस्ट इज 5 सो देर इज अ लॉस ऑफ 25,000 एडवर्स, देर इज अ लॉस ऑफ 25,000 एडवर्स। इज दिस क्लियर ऑर नॉट फ्रेंड? इट मीन्स 50,000 का कैपेसिटी था, काम किया 35, यू लॉस्ट 15,000 आवर्स, व्हाट इज द रिकवरी डेट 5, तो टोटल लॉस ऑफ 75। यूनिट 16,666 आवर्स 50,000, यूनिट 10 आवर्स 30, 30 की जगह 35 इंटू 5 देयर इज अ लॉस ऑफ 25,000। सही है सोनू, नाउ यू कम टू वेरिएबल ओवरहेड। अब देखो आपको क्या दे रखा है, आपका ओवरहेड दे रखा है 5 रुपीज पर आर, आपका फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है 5। अब कॉस्ट शीट में आप देखो टोटल ओवरहेड आपको दे रखा है 10, इट मींस आपका जो टोटल ओवरहेड है, आपका जो टोटल ओवरहेड है वो 10 दे रखा है, उसमें से वेरिएबल एंड फिक्स, आपका वेरिएबल फिक्स आपका 5 है वो आपको दे रखा है ये 5, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो जाएगा 5। सो दिस कम्स टू 5, इट मीन्स आपका वेरिएबल ओवरहेड जो हो जाएगा 5 रुपीज एंड दिस कम्स टू 1,50,000 एंड लेबर एंड ओवरहेड के मैंने आपको क्या बोले आर्स क्या रहेंगे हमेशा सेम। सही है सुनो, लेबर एंड ओवरहेड के आर्स क्या हो जाएंगे सेम। अब वेरिएबल ओवरहेड 150 था, हो गया कितना 2,00,000, इट मीन्स वेरिएबल ओवरहेड 150 था हो गया 2,00,000, देर इज अ लॉस ऑफ 50,000 एडवर्स, देर इज अ लॉस ऑफ 50,000 एडवर्स। आर्स से 30,000 आर्स हो गए 35,000 इंटू 5 एंड देर इज अ लॉस ऑफ 25,000। रेट आपका क्या था
रेट आपका था 5, बट एक्चुअल में आपको रेट क्या आ रहा है, एक्चुअल में आपका रेट आ रहा है, इट मीन्स 2 लैक्स डिवाइडेड बाय 35,000 इज 5.71, 5.71, सो 5 की जगह 5.71 इंटू 35,000 आवर्स, इट मीन्स माइनस 5 इंटू 35,000 आवर्स इज दिस कम्स टू 25,000 एडवर्स। सही है सो नो। अब आप देख लीजिए क्या क्या आपके से आंसर पूछे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फ्रॉम द अबव डिटेल्स एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड, दिस इज द एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज 3,50,000, दिस इज योर आंसर नंबर 1, आपका आंसर नंबर 1। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्चुअली कंज्यूम्ड, 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 इट मींस आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा एक्चुअली कंज्यूम्ड के लिए, इट मींस 18,666.67 इंटू 15। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्चुअली एक्चुअल कंजम्पशन ये है और इसका रेट ये है, इट मीन 18,666.66666 इंटू 15 एंड दिस कम्स टू योर 2,80,000, 2,80,000 डिवाइडेड बाई अगर आप 15 करोगे तो आपको आएगा 86। ओके, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेयर इज द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, हाँ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज 1,00,000। देन वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, दैट्स इट। तो ये आपके सारे के सारे क्या हो गए फ्रेंड्स, बेसिक्स हो गए। अब मेरे को आपको कुछ भी नया नहीं सिखाना है, मेरे को नया सिखाना मतलब इन सारी चीजों को मुझे अरेंज करना है, इन सारी चीजों को मुझे अरेंज करना है। इसका मतलब अब आपका जो कंसेप्ट आएगा, दैट कंसेप्ट इज ए कंसेप्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंसिलेशन। ओके, रिकंसिलेशन कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, जिसमें स्टेप नंबर 1 कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन, स्टेप नंबर 2 पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट ऑलवेज ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टेप नंबर 3 रिकंसिलेशन, स्टेप नंबर 4 एनालिसिस ऑफ वेरियंस, एनालिसिस ऑफ वेरियंस में मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन बट योर फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन, ये सारी चीजें अपन को ध्यान में रखना है। सही है सोनो, परफेक्टली क्लियर होना।